नई बस्ती स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाबंद मरीज होते रहे परेशान, मौके पर पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष व वार्ड पार्षद। इंदिरा गांधी वार्ड नई बस्ती में स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र समय से नहीं खुलने की वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं आज जब उपचार के लिए स्थानीय लोग पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद जितेंद्र बोरे से शिकायत की और फिर मौके पर वार्ड पार्षद व नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार मौके पर पहुंच गए। स्वास्थ्य केंद्र बंद मिलने पर BMO डॉक्टर अरविंद गौर को बुलाया गया, तब जाकर स्वास्थ्य केंद्र को खोला गया और फिर मौके पर मौजूद मरीजों का उपचार किया गया। वहीं BMO ने स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है और स्वास्थ्य केंद्र प्रतिदिन समय से खोलने के निर्देश दिए हैं। हाँ, चेकअप करवाने आई थी, इधर नई बस्ती में रहती है, जब भी आते बंद ही रहती है, कभी खुली नहीं रहती है, 2-3 बार आ चुके, चक्कर लगाती रहती है। CMO, आज हम लोग आए थे 12 बजे यहाँ, टाइम जबकि 9 बजे है और 12 बजे भी यहाँ क्लिनिक खुला नहीं था। फिर हम लोगों ने BMO को फ़ोन लगाया तो वो वहाँ से आए, उन्होंने बोला नोटिस देंगे टाइम पे नहीं खुलने के लिए। कुछ लोगों ने बताया कि खुलती है टाइम पे, कुछ लोगों ने बताया कि नहीं खुलती है। तो अब आज मैंने भी देखा तो मेरे इस टाइम पे खुली हुई नहीं दिखी है, तो मैं कार्रवाई भी करूँगा, इनका 7 दिन का वेतन काटूँगा मैं। और जो मैडम है वो तो एक ट्रेनिंग पे गई है मैडम, लेकिन जो यहाँ पर पदस्थ थे अभी ड्यूटी पे थे वो एब्सेंट पाए गए हैं, इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।